अस्सलामुअलैकुम। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही डिलीशियस रेसिपी हलवा स्टाइल मिक्स वेज की। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि इसको किस तरीके से बनाया जाता है। आप घर पर ही बना सकते हैं बिल्कुल ही हलवा स्टाइल मिक्स वेज को। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बनने वाली है। चलिए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताती रहूँगी, दिखाती रहूँगी। तो चलिए फिर फ्रेंड्स इसको बनाना स्टार्ट करते हैं मिक्स वेज को। तो यहाँ पर मैंने 3 शिमला मिर्चें ले ली हैं, बड़े साइज़ की हैं, और इसको मैंने अच्छे से कट कर लिया है। और इधर मैंने हाफ गरम कल्ला ले लिया, इसको भी मैंने अच्छे से कट कर लिया है बारीक बारीक। इधर मैंने 2 बड़ी मिर्च ली हैं, इसको मैंने रफली ऐसे कट कर लिया जो मोटी वाली होती हैं। और इधर मैंने 2-3 पतली वाली हरी मिर्च ली हैं, इसको लंबे लंबे शेप में ऐसे करके कट कर लिया है। और इधर मैंने 2-3 गाजरें ले ली छोटी छोटी, 3 इनको गोल गोल साइज़ में ऐसे मैंने कट कर लिया है। और इधर मैंने ये 1/2 kg गोभी ली है, इसको भी मैंने अच्छे से वॉश करके और इसको भी मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। और इधर मैंने 4-5 टमाटर लिए हैं, इनको भी मैंने कट कर लिया है। और इधर मैंने 1/2 kg आलू लिया है, इनको भी मैंने कट करके पानी में भिगो के रख दिया है। और इधर मैंने 1 कटोरी मटर ली है, ये मेरी फ्रोज़न मटर है। वैसे सीज़न वाली तो आ गई है लेकिन मेरे पास फ्रोज़न थी तो मैंने यही ले ली है। तो सारी सब्जियों को तो मैंने कट कर लिया है, बस अब इनको बनाना बाकी है तो इनको बना लेंगे। तो सबसे पहले तो सब्जियों को फ्राई करा जाता है, तो एक एक करके मैं सारी सब्जियों को फ्राई कर लूंगी। चले फिर बनाना इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ ऑयल हमारे गर्म हो चुका है, सबसे पहले आलूओं को फ्राई करेंगे। हर एक चीज को फ्राई करना है सारी सब्जियों को, तो पहले आलूओं को फ्राई करेंगे। सबसे पहले आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं, कलर देखिए कितना प्यारा आया है और ये गल भी गए हैं। कलर देखिए कितना अच्छा आया है, इनका जल गए हैं। तो अब मैं इनको निकाल लूंगी। तो यहाँ देखिए आलूओं को मैंने निकाल लिया है, फ्राई हो गए हैं। और यहाँ पे मैं गोभी और गाजर को साथ में ही फ्राई कर लूंगी। तो इनको साथ में ही फ्राई कर लेंगे क्योंकि गोभी भी कम थी और गाजर भी थोड़ी थी, तो मैं इनको साथ में ही फ्राई कर लूँगी। अलग अलग करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो ये चीज़ें थोड़ी कम थी तो इनको मैं साथ में ही फ्राई कर लूँगी थोड़ा थोड़ा। पर देखिए गाजर और गोभी भी हमारी फ्राई हो गई है, कलर भी इसका अच्छा आ गया है, चेंज हो गया है कलर, और ये ऑलमोस्ट गल भी गई हैं। तो इनको भी आप निकाल लेंगे, बस थोड़ा थोड़ा फ्राई करा जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं करा जाता है। बस इनको भी निकाल लेंगे थोड़ा थोड़ा करके। यहाँ सब्जी मैंने निकाल ली, अब मैं डाल दूंगी इसमें शिमला मिर्च, इसको भी फ्राई कर लेंगे। इसको भी फ्राई कर लेंगे ऐसे ही। तो यहाँ देखिए शिमला मिर्च भी हमारी फ्राई हो गई है, काफ़ी अच्छी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है और गल भी गई है। तो इसको मैं निकाल लूँगी सारे को। तो सारी सब्जी बस फ्राई हो गई है, सिर्फ गरम कल्ला बचा है, उसको भी बस थोड़ा सा फ्राई करना है। मटर को तो फ्राई करना है ही नहीं क्योंकि मटर हमारी फ्रोज़न नहीं है, तो वो सब सब्ज़ी के साथ में ही डाल देंगे। ना टमाटरों को करा जाएगा फ्राई क्योंकि टमाटरों को तो भंगार में डालेंगे साथ में। तो बस ये हो गई है, इसको भी सारे निकाल लेंगे। तो बस अब यही बचा है, इसको फ्राई कर लेंगे। और ऑयल भी हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, तो बस जितना ऑयल बचा है उसी में ही इसको फ्राई कर लेंगे। और बस थोड़ा सा करना है इसको भी, इसको भी फ्राई कर लेते हैं अच्छे से। यहाँ गरम कल्ला भी फ्राई हो गया है, बस इतना ही करना है, ये जलने लगा है। तो अब बस इसको निकाल लेंगे और ऑयल हमारा ख़त्म हो गया है, तो ऑयल और डालेंगे इसमें और अब बनाएंगे इसका भंगार। बस सारी सब्जियां हमारी फ्राई हो चुकी हैं, सब निकाल लिया है मैंने इसको। इधर देखें सारी सब्जियां हमारी निकल आई हैं, तो बस अब भंगार बनाते हैं। गर्म हो रहा है, मैंने थोड़ा सा और इसमें ऑयल डाला, बस ज़रा सा डाला क्योंकि सब्जी में वैसे ही बहुत ज़्यादा ऑयल हो गया है। तो इसको जब तक ये गर्म हो रहा है, तो इधर मैंने भंगार का सामान निकाल लिया। 1 प्याज मैंने ले ली मीडियम साइज़ की, उसको मैंने बारीक बिल्कुल कट कर लिया है। इधर 1 टेबल स्पून जीरा लिया है और 1 लाल मिर्च ली है और 1 टेबल स्पून सौंफ है, 1/2 टेबल स्पून मेथी है और 1/2 टेबल स्पून अजवाइन है। बस इतना 5 चीज़ें डालनी है इसमें बस, और ये लाल मिर्च भी डालनी है। और अब इसमें डाल के इसको सबको फ्राई कर लेंगे। तो इधर ऑयल हमारा गर्म हो गया है, तो अब प्याज को फ्राई कर लेंगे। सबसे पहले प्याज को ही फ्राई करना है, तो इसको अच्छे से सॉटे कर लेंगे प्याज को। तो इधर देखिए प्याज हमारी इतनी सॉटे हो गई है, तो यहाँ पर मैं ज़ीरा इसमें डाल दूँगी और ज़ीरे को भी सॉटे कर लेंगे। और प्याज बस जले नहीं, इस बात का ध्यान रहे। तो बस अब ज़ीरे को डाल के भी अच्छे से इसमें थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब इस पर सॉफ्ट डाल देंगे,
सब चीजों को फ्राई कर लेंगे थोड़ा थोड़ा। तो बस अब सब कुछ हो चुका है, खाली ये मेथी और ये अजवाइन बची है तो उसको भी डाल के सबके साथ में सॉटे कर लेंगे। बस इसको भी कर लेना है, मेथी बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है तो बस कुछ सेकंड ही इसको डालना होता है और जल्दी से इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे फ्राई करते रहेंगे। मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर, टमाटरों को गलाना है प्याज के साथ। प्याज यहाँ से सब फ्राई हो चुके, बस टमाटर रह गए, टमाटरों को गला लेंगे। बस इसको भी साथ में गला लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर टमाटर देखिए हमारे हो गए हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, बस थोड़े थोड़े से रह गए हैं। तो बस अब यहाँ पर मैं मटर डाल दूंगी। मटर को तो फ्राई करना है ही नहीं क्योंकि फ्रोज़न है, अगर फ्रोज़न नहीं होती तो उसको फ्राई करा जाता। तो बस इसको भी कुछ देर के लिए ऐसे ही साथ में सॉटे कर लेंगे बस। तो यहाँ पर जो हरी मिर्चें मैंने कट करी थी वो भी इसमें डाल देंगे, बस इसको भी थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। टमाटर देखे बिल्कुल ही हमारी गल गए हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, मटर भी गली हुई है ही, बस वो भी बिल्कुल फ्राई हो गई है अच्छे से। और हरी मिर्चों को भी कर लेंगे। तो यहाँ पे तो सब कुछ हो चुका है, फ्राई राई सब कुछ बंगाल लग गया है। तो अब मैं सारी सब्जी डाल दूंगी और इसमें मैं ये लाल मिर्च डालना भूल गई, तो लाल मिर्च भी अब डाल दूंगी और सारी सब्जियां अब इसमें ऐड कर दूंगी। तो यहाँ देखिए सारी सब्जियां मैंने ऐड कर दी हैं सबके साथ में, और देखिए कलर कितना प्यारा लग रहा है, कितनी अच्छी लग रही है, खिली खिली सी। तो इनको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, बस अब नमक मिर्च रह गया है डालने को, तो अब नमक मिर्च भी इसमें डाल लेंगे। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा कश्मीरी कलर ऐड कर रही हूँ, बस एक चुटकी ही है लगभग, ज़रा सा ये डाल देंगे। और अब नमक मिर्च इसमें ऐड कर दूंगी मैं। तो यहाँ पर मैंने हाफ टेबल स्पून नमक लिया है और हाफ टेबल स्पून मिर्च है, तो अब इस पर इसको डाल देंगे और इसको अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स करेंगे ताकि सब्जी वब्जी जो है वो फूटे नहीं, टूटे नहीं आलू। तो इसको मिक्स कर लेंगे सही से। और अब मैं इसमें, वैसे तो पानी डलता है नहीं लेकिन मैंने नमक मिर्च डाला है ताकि सब में घुल मिल जाए, तो इसमें 1 या फिर 2 टेबल स्पून सिर्फ मैं पानी डालूंगी, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालेंगे क्योंकि सब्ज़ी भी थोड़ा पानी छोड़ेंगी, गर्म करना है ये सब चीज़ें। तो बस इनको अच्छे से मिक्स करके और मैं ढककर रख दूँगी। तो मैंने सारी वेजिटेबल्स को आपस में और भंगार को सबको अच्छे से मिक्स कर दिया है, तो बस इसको आप बिल्कुल ही लो हीट पर ढककर रख देंगे 2-3 मिनट के लिए। बिल्कुल ही लो हीट पर रखेंगे ताकि जो सब्ज़ी रह गई है थोड़ी बहुत कच्ची तो वो भी बिल्कुल लो हीट पर गल जाए, तो इसको ढककर रख देंगे 2-3 मिनट के लिए। तो यहाँ मैंने इसको ओपन कर लिया है और सब्ज़ियाँ बहुत अच्छे से गल गई हैं सारी, बस थोड़ा सब्जियों ने पानी छोड़ा है, तो बस हल्का सा इसको फ्राई कर लेंगे। और सब्जी हमारी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है, तो बस इसको फ्राई करना है थोड़ा सा। और गल गए हैं सब चीज़ें बहुत अच्छे से, देखिए आलू कैसे टूट रहे हैं, तो बस इसको थोड़ा सा जो पानी है उसको ड्राई कर लें, बस फिर इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ सब्जी हमारी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है, ऑयल भी आ गया है, पानी जितना था वो भी सब ड्राई हो गया है, तो बिल्कुल रेडी है। तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ, डिश आउट कर लेती हूँ। देखें पानी बिल्कुल ड्राई इसका हो गया है सारा, तो बस अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। तो यहाँ हमारी हेल्दी सी मज़ेदार सी मिक्स वेज बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है, बिल्कुल ही होटल स्टाइल में जैसे हलवाई बनाते हैं बिल्कुल ही वैसी बनाई है मैंने। और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इसका अच्छा है, और ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी है और ना कुछ कम है, बिल्कुल हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट बनी है। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और घर में सबको बनाकर खिलाइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी और रेसिपी लाती रहूँगी, मिलती हूँ कल एक और नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।